हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना और उड़द की दाल, झटपट बनने वाली दाल, स्वाद में बहुत ही टेस्टी। हाफ कटोरी चना दाल, हाफ कटोरी उड़द दाल धो के साफ करके उसको हम बॉईल करेंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 स्पून तेल डालेंगे। 3-4 सीटी लेके दाल को बॉईल करेंगे। हाफ कटोरी उड़द दाल, हाफ कटोरी चना दाल लेंगे, उसका तड़का लगाएंगे। 4-5 हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर, नींबू का इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त दाल बनाएंगे। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रख दिया है। दाल को चेक कर लिया है, कुकर ठंडा हो चुका है, दाल हमारी अच्छे से पक गई है। 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला, ऑयल गर्म होते ही 1 स्पून जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, 1 चुटकी हींग, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। तड़का लगाने के बाद दाल को उसके अंदर डाल देंगे, बॉईल किया करके रखा था वो। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है दाल। अभी उसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन जो हमने कूट के रखा है वो कूट के डालना है, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। 1 टमाटर डालेंगे मीडियम साइज का काट का, 1/2 नींबू का रस ऊपर से डालेंगे, लास्ट में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, चावल रोटी के साथ, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा और मैंने पानी डाला, दाल मुझे गाढ़ी लग रही थी। दाल बनके मेरी तैयार है, अच्छे से उबाल आ गया है, 5-7 मिनट तक उबालना है। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है, गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी, चला के दिखाऊंगी। दाल मस्त बनी एकदम, आप लोग जरूर ट्राई करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही अलग अलग रेसिपी के साथ हम मिलते रहेंगे।